वेलकम टू स्टेपअप आईएएस इन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 17 अक्टूबर के बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम अपने तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, तो कुछ डाटा एंड फैक्ट्स आपको मिलेगा, प्लीज़ बने रहें अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं अपने ऐसे राइटिंग के कोटेशन से। आज का कोटेशन महात्मा गांधी जी का है, नॉन कोऑपरेशन विद एविल इज एज मच अ ड्यूटी एज इज कोऑपरेशन विद द गुड। जैसे कि आप किसी अच्छे व्यक्ति को कोऑपरेट करते हैं, वो आपके ड्यूटी समझी जाती है, वो आपका कर्तव्य माना जाता है, वैसे ही जो बुरे लोग हैं उनको नॉन कोऑपरेट करके, मतलब कोऑपरेट ना करके भी आप अपना कर्तव्य निभाते हैं। तो ये कोटेशन आप यूज़ कर सकते हैं पेपर फोर में, ऐसे राइटिंग में और एथिक्स के सेक्शन में, खास खास करके महात्मा गांधी जी के द्वारा जो बातें कही गई हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आइए ये इन्फॉर्मेशन कोचिंग के बारे में इसको देख लेते हैं। आज से नया बैच शुरू हो गया है मॉडर्न इंडिया से। देखिए इसमें आपको बार बार ये बताया जाता है कि जो लोग दिल्ली में हैं या दिल्ली आने का प्लान कर रहे हैं वो जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में, जिनको कि जो अफोर्ड कर सकते हैं क्लास में आ सकते हैं, या उनका क्लास ख़त्म हो चुका है लेकिन वो गाइडेंस उनको नहीं मिल पा रही है, तो आप अगर इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आज कल या परसों या एक महीने के बाद जा कर के मिलेंगे बात करेंगे, तो इतना समय आपके पास होता नहीं है। एक्चुअली जेन्युइनली अभी इतना समय है कि आप अगर सही तरीके से काम करते हैं तो 2020 का अटेम्प्ट दिया जा सकता है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपकी इच्छा हो, आपको ज़रूरत हो, आंसर राइटिंग पे पर्सनल हेल्प चाहिए हो, क्या होता है प्रोग्राम, कैसे होता है, इसको खुद से मानने की आवश्यकता नहीं है। आप जाएं, मिलें, पता करें, ट्रायल लें, आप एक दो दिन तीन दिन बैठ करके देखें, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके काम की चीज़ है, फ़ायदा हो रहा है, तो आपको जुड़ना होता है। ठीक है, जो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि सारे डिस्कशन को बहुत ध्यान से देखें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया जा रहा है एडिटोरियल के माध्यम से, आपको हम लोग डाटा एंड फैक्ट्स देने की कोशिश करते हैं। एडिटोरियल क्यों पढ़ा जाता है, कभी आपने सोचा है? एडिटोरियल से पढ़ा जाता है ताकि आपका जो थॉट है वो डेवलप हो जाए कि किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के आप क्या लिखेंगे, क्या फैक्ट आप देंगे अपनी बातों को साबित करने के लिए। तो इसके लिए चीज़ों को रेगुलर बेसिस पर आपको देखना है, पढ़ना है और नोट्स बनाना है। ठीक है, बाकी कोई आपको हेल्प चाहिए हो तो उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला आर्टिकल, जीएस पेपर 3 इन्वेस्टमेंट मॉडल। क्या कमियाँ हैं, क्या परेशानी हैं, क्या दिक्कतें हैं, उसी को आर्टिकल में बताया जा रहा है और स्पेशली मेक इन इंडिया को टारगेट किया गया है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि जब मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी आज से 5 साल पहले, तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे, बहुत सारे एस्पिरेशंस थे। 2014 में ऐसा लग रहा था जैसे कि सारी समस्याएं अब सुलझ जाएंगी, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने की बात कही गई थी। कहा जा रहा था कि इसको बढ़ा करके, इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको 12 से 14% से बढ़ा करके 16 से 25% तक हमें लेकर के जाना है 2022 में, इसके GDP का बनाना है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना ऊपर उठा देना है कि हम 100 मिलियन तक जॉब को क्रिएट कर लेंगे। और ये एम्बिशन, ये उद्देश्य था हमारे तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर, जो कि आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सेकेंड टर्म में नरेंद्र मोदी जी का। क्या ऐसा हो पाया, क्या ये सारी बातें जो उन्होंने कल्पना में की थी और इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी, क्या आज ये यथार्थ हो पाया है? तो आइए इस पर हम बात करेंगे। 5 साल के बाद आज स्थिति क्या है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि हालांकि इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा, बहुत सारे रिफॉर्म किए गए थे, पॉलिसी चेंजेस हुए थे, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट तेज़ी से बढ़ा और ये $16 बिलियन हुआ करता था 2013-14 में, और तब से ये 2015-16 में जब देखा गया तो $36 बिलियन हो गया था। मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, FDI बढ़ रहा था भारत में। लेकिन फिर कुछ चुनौतियाँ आ गई, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। पहली प्रॉब्लम तो ये कि 2016 से ये FDI जो है वो फिक्स हो गया, इसके बाद बहुत तेज़ी इसमें देखने को नहीं मिली। दूसरा कारण, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को फोकस नहीं किया गया। जो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको हम उठाने की बात कर रहे थे उसमें बहुत बदलाव नहीं आया। 2014-15 में ये $9.6 बिलियन पर था, जबकि 2017-18 का जो डाटा देखा गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में FDI का, इन्वेस्टमेंट का, वो सिर्फ $7 बिलियन पर था। ठीक है, लेकिन सारा का सारा इन्वेस्टमेंट गया कहाँ? ऑब्वियसली सर्विस सेक्टर की तरफ खींच लिया गया।
जितने भी एफडीआईज आए भारत में वो ज़्यादातर कहाँ गए, सर्विस सेक्टर में गए, अप्रॉक्स 23.5 बिलियन डॉलर का ये जो इन्वेस्टमेंट है वो सर्विस सेक्टर में हुआ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं हुआ, बल्कि उससे 3 गुना ज़्यादा सर्विस सेक्टर में इसका इन्वेस्टमेंट हुआ। तो अब इसके क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सामने आई, कुछ सवाल खड़े हो गए। पहला सवाल तो ये था कि क्या कंट्री में हम सर्विस सेक्टर पे इतना ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं विदाउट डेवलपिंग आर इंडस्ट्रियल बेस, मतलब आपके यहाँ पर जो सेकेंडरी मार्केट है वो बिल्कुल उठ ना रहा हो और आप अपने यहाँ पर टर्शरी मार्केट जो सर्विस सेक्टर आप उसको उठाते जा रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या हम ऐसा कर पाएंगे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगला फिर क्या आइडिया आया दिमाग में कि चलो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को लेकर के आते हैं, अगर ये इन्वेस्टमेंट से काम नहीं बन रहा है तो एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाना चाहिए, और एक्सपोर्ट अगर बढ़ जाएगा तो चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व होने लग जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग, हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे गुड्स को, जो सामान है वो बाहर जाएगा, इससे पैसे आएंगे, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देखते हैं इंडिया चाइना के कंपैरिजन में तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का वो सिर्फ 2% है इसके जीडीपी का, और चाइना का कितना है, 18% है। तो आपको नहीं लगता कि चाइना कॉम्पिटिटर है इंडिया का, और अगर इंडिया की ये हालत है 2% पर, चाइना 18% पर, तो आखिर कैसे हम कम्पीट कर पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में ग्लोबल लेवल पर, मतलब उधर भी बात नहीं बनी। तो और क्या क्या कारण रहा मेक इन इंडिया के फेल्योर में, या फिर जो एक उम्मीद, जो एक एक्सपेक्टेशन था उसको पूरा ना होने में आखिर दिक्कत कहाँ पर रही, इसका एनालिसिस करते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट ये बताते हैं कि उस वक्त जो एफडीआई आया था भारत में, इतना ज़्यादा फ्लो हुआ था मनी का, वो कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो थे वो मॉरिशस के बेस सेल कंपनीज से, जो मॉरिशस में एक सेल कंपनीज हैं वहाँ से इन्वेस्ट किए जा रहे थे, वहाँ से भारत भेजे जा रहे थे। तो ये यहाँ पर एक उम्मीद या फिर एक सस्पेक्शन ये है कि उस टाइम जो टैक्स अथॉरिटीज थे वो ये कह रहे थे कि ब्लैक मनी को इनडायरेक्टली इम्पोज किया जा रहा है फिर से भारत में, मतलब जो पैसा भारत का ही है लेकिन ब्लैक मनी है, उसको वाइट करके मॉरिशस के रूट से भारत में भेजा जा रहा है। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, एक तो पहला तो ये था कि जो इन्वेस्टमेंट था वो एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करने की कोशिश की जा रही थी, ये एक अजम्पशन है, एक एनालिसिस है, कोई ये वेल प्रूव्ड प्रूफ नहीं है ये ना। दूसरा क्या दिक्कत थी, दूसरी दिक्कत बताई जा रही है प्रोडक्टिविटी को, कि इंडियन फैक्ट्रीज जो हैं आखिर वो कम्पीट करें कैसे, वो प्रोडक्टिव ही नहीं है बहुत ज़्यादा। एक रिपोर्ट में बताया गया, मैकिन्से रिपोर्ट, इसको आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं लोग, जो वर्कर्स हैं, वो 5 गुना कम प्रोडक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू दोज वर्कर्स जो लोग थाईलैंड और चाइना में काम करते हैं। मतलब ऐसे वर्कर्स जो थाईलैंड चाइना के फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनसे 5 गुना कम प्रोडक्टिविटी है हमारे यहाँ पर काम करने वाले लेबर और वर्कर्स की। तो ऐसा क्यों है, ऐसा सिर्फ इनसफिशिएंट स्किल्स की वजह से नहीं है, बल्कि और कई वजह से है। यहाँ पर जो इंडस्ट्री का साइज़ होता है वो भी बहुत छोटा होता है, तो जो इंडस्ट्रीज होती है वो कॉपअप ही नहीं कर पाती है सप्लाई चेन को मैनेज करने में और डेवलप करने में, तो ओवरऑल जो साइकिल है वो पूरा नहीं हो पाता, उस पर वो कम्पीट नहीं कर पाते। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कंपनीज जो है वो इतनी छोटी क्यों हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का रूल रेगुलेशन, यहाँ का लेबर लॉ। 100 एम्प्लॉयज़ तक रखने पर एक नॉर्मल सामान्य सा रूल फॉलो होता है इंडस्ट्रीज में, प्लांट्स में, लेकिन जैसे ही ये संख्या 100 से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होता है कि उनके ऊपर ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशंस अप्लाई कर दिए जाते हैं, जो इंडस्ट्रीज होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं। तो फिर एम्प्लॉयज़ का जो बिहेवियर है या उनका जो ट्रीटमेंट है, उनके लिए जो रूल्स हैं वो सब बदल जाते हैं, तो वो जो प्लांट या इंडस्ट्रीज हैं वो उस चीज़ को बियर नहीं कर पा रहे हैं अभी, इस वजह से ये दिक्कत है। मतलब एक रिफॉर्म तो यहाँ पर भी आना चाहिए, जो लेबर लॉ है या जो भी ये रूल रेगुलेशन है कंपनी का, उसमें एक रिफॉर्म लाने की सख्त ज़रूरत है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कंपनी के छोटे होने का, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, इंफ्रा की दिक्कत है। तीसरी दिक्कत क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की भी यहाँ पर दिक्कत है, इलेक्ट्रिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। इंडिया चाइना की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक कॉस्ट है वो सिमिलर है, सेम है दोनों जगह पर, लेकिन इंडिया की कंपनी में उनको ज़्यादा पावर का कॉस्ट देना पड़ता है। तो दूसरा ट्रांसपोर्टेशन
कॉस्ट भी उनको ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में। ये गूगल मैप का स्टडी है कि चाइना में जहाँ पर कम समय लगता है वहीं इंडिया में बहुत ज़्यादा समय लगता है एक जगह पर से दूसरी जगह पर जाने में। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, स्पीड की प्रॉब्लम है, हमारे पास वो वेल मेंटेन्ड रोड की दिक्कत है ना, या फिर जिसे भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी दिक्कत है। तो एक दो तीन रिपोर्ट्स हम यहाँ पर देखेंगे जो आपके काम आएगा। एक तो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट दिखाया गया 2016 में, ग्लोबल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक पेश करती है, उसमें इंडिया की रैंकिंग 35th आई है 160 में, और सिंगापुर वहीं 5वें स्थान पर है, चाइना 25वें स्थान पर है, मलेशिया 32वें स्थान पर है। तो हम ये क्यों देख रहे हैं? देखिए, ग्लोबल परफॉर्मेंस इंडेक्स में ओवरऑल देखेंगे तो इंडिया की रैंकिंग अच्छी है, नो डाउट इंडिया ने बहुत इम्प्रूव किया है, बट एज़ कम्पेयर टू आवर नेबरिंग स्टेट और नेबरिंग कंट्रीज़, जो ये एशियन कंट्रीज़ हैं, चाइना है, मलेशिया है, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, अगर उनकी स्थिति हमसे बहुत बेहतर है तो कम्पीट तो अल्टीमेटली भारत को उनके ही साथ करना है, और इसका एक यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स की। आज भी भारत में करप्शन वैसे ही कंटिन्यू है, और इस वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो घबराते हैं, डरते हैं, और वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं भारत में। एक रिपोर्ट में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक निकालती है उसमें भारत की रैंकिंग 77 आई हुई है इस बार, तो जाहिर सी बात थोड़ा प्रोग्रेस तो है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, तो वो 78th पोजिशन पर है भारत 180 देशों में। तो ठीक है, प्रॉब्लम सुधर रही हैं, चीज़ों में सामान्यता आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस बने हुए हैं। और अगर हम देखें अभी रीसेंट जो रिपोर्ट आई है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो अभी रिलीज किया गया डब्ल्यूएफ के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, उसमें भारत की स्थिति फिर से ख़राब हो गई है। तो ये सब चीज़ें क्या शो करता है? ये सब चीज़ें बताता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं आखिर वो आपके यहाँ पर कैसे अट्रैक्ट होंगे जब तक आपके यहाँ पर लेबर लॉ, लैंड एक्विजिशन लॉ, ये सब में रिफॉर्म नहीं आता है। जो लोग यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे उनको, मान लीजिए कोई प्लांट लगाना है, कोई इंडस्ट्रीज खोलनी है, उनको ज़मीनें चाहिए, अब उनको वो ज़मीन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो लॉज हैं वो बहुत सख्त हो गए हैं, या उनको लेबर की आवश्यकता है लेकिन लेबर को रखने में जो उनको रूल रेगुलेशंस को साइन करना पड़ रहा है वो उनको बियर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ पर उनके मतलब मार्केट फ्रेंडली नहीं रहेगा माहौल तो इन्वेस्टर्स यहाँ पर नहीं आएंगे। इसलिए क्या ज़रूरत है कि पॉलिसी में रिफॉर्म लाया जाए, थोड़ा सा बदलाव किया जाए। हालांकि कुछ सिग्निफिकेंट मूव्स तो लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि कॉरपोरेट टैक्स को कम किया गया, तो 35 से 25% पर लाया गया। इसका दो तीन तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है। एक तो अभी कॉरपोरेट टैक्स जो है उसको अदर जो इंडियन नेबर कंट्रीज उनके साथ कंपेरेबल बना दिया गया। दूसरा, इस रिफॉर्म के बाद जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम कम्पीट कर पाएंगे, FDIs को भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, बिकॉज अब यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स उनको कम देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। तीसरा फायदा क्या होगा? अभी US चाइना ट्रेड डिस्प्यूट जो चल रहा है वहाँ पे काम करने वाली कंपनीज जो हैं वो दूसरी जगह पर शिफ्ट होना चाह रही हैं, तो वियतनाम या फिलीपाइंस में वो जाएँ, वहाँ पर उनको प्लेटफॉर्म मिले, उससे बेहतर है कि इंडिया में उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए। एंड डेफिनेटली इंडिया अभी बहुत अच्छी स्थिति में है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी में है, और इंडिया के पास सर्विस सेक्टर में हम देखें तो बहुत अच्छा, अगर सॉफ्टवेयर की फील्ड में बात करें तो इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन पर है, लेबर इंटेंसिव कंट्री है, और बस थोड़े से पॉलिसी रिफॉर्म को अगर लाया जाए तो इन स्थिति को सुधारा जा सकता है आसानी से। आगे बढ़ते हैं, अगला जो आर्टिकल है वो है पुल बैक एंड क्योस, GS Paper 2 में एसोसिएट करेंगे, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ पर बात US, सीरिया और टर्की की हो रही है, तो किस तरीके से इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गया उस रीजन में उसकी हम बात करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में कुछ और नहीं बल्कि ये बताया गया है कि जब US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके बताया कि अब सीरिया में या फिर सीरिया को प्रोटेक्ट करने की क्या आवश्यकता है, यानी कि उनका ये भी कहना था कि वो अपने एनिमी के कंट्री को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके लैंड को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता उनको नहीं है, जबकि उन्होंने ISIS कैलिफेट्स को 100% डिफीट कर दिया है, हरा दिया है। तो इसका कहना है कि अब सीरिया को असिस्टेंस या फिर वहाँ पे जो कुर्द हैं उनको प्रोटेक्शन रशिया के द्वारा दिया जाए, चाइना के द्वारा दिया जाए, वाई US जो कि वहाँ से 7,000 मील की दूरी पर हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है US प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा और क्यों वो इस तरीके से यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं? बिकॉज 2020 का इलेक्शन बहुत पास है, और जैसा कि उनके मैनिफेस्टो में बताया गया था
कि कहीं पर भी किसी भी एक्स्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट में यूएस पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो यूएस के मतलब की बात नहीं है वो वहाँ पर नहीं जाएगा। तो अभी फिर से इलेक्शन पास आ चुका है और अपने वादे को पूरा करना चाहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन इसका इम्पैक्ट सीरिया के लोगों पर क्या हो सकता है, वहाँ पर किस तरीके से ये और भी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है, तो ये पूरा विषय है, ये पूरा मुद्दा है। आगे आप ये देख रहे हैं टर्की का इमेज, यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एक ऑपरेशन भी चलाया गया था, आप उस ऑपरेशन का नाम बताएंगे, टर्की के द्वारा जो सीरिया के हिस्से में अभी कुछ दिनों पहले चलाया गया था, उसका नाम क्या था। तो ये एक बफर जोन बनाने की कोशिश की जा रही है टर्की के द्वारा। टर्की का ये मानना है कि यहाँ पर जो सीरियन पीपल रह रहे हैं और उनकी वजह से वहाँ जो टर्की में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं या इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो रही हैं उस रीजन में, तो उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं और वहाँ से लोगों को इस बफर जोन में शिफ्ट करना चाहते हैं। ये जो जोन आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुर्द पीपल रहते हैं, अभी उनका हम और डिटेल में देखेंगे क्या लोकेशन है, और इनके बीच में और जो टर्की गवर्नमेंट है उनके बीच में अभी टसल चल रहा है, ये पूरा का पूरा इशू है। नाउ अभी जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया था कि अपने ट्रूफ को इस रीजन में भेज दिया था और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सिविलियंस की जान चली गई, इससे यूएस ट्रूफ को बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ा, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं हुई, लेकिन जो वहाँ के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है कि ये जो कुर्दिश पीपल हैं ये इंसर्जेंसी फैला रहे हैं और इसलिए जो सीरिया का ऑटोनोमस रीजन है, ऑटोनोमस कुर्दिश रीजन है, उस पर वो अपना मिलिट्री कंट्रोल चाहते हैं। अब ये इमेज आप देख सकते हैं, ये पूरा कुर्दिश रीजन है, यहाँ पर सीरिया में ही नदन पार्ट पर रोजावा, ये आप देख सकते हैं पूरा, और इस पे पूरी तरीके से अटैक किया जा रहा है टर्की के द्वारा, और यहाँ पर यूएस का इस तरीके से निकल जाना, विदड्रॉल कर जाना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। तो रोजावा जो है, जो यहाँ पे कुर्दिश पीपल हैं, ये सीरियन गवर्नमेंट से भी प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, असिस्टेंस की डिमांड कर रहे हैं, रशिया इवन ईरान भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सडन वहाँ से विदड्रॉल कर लिया विदाउट कोई सिक्योरिटी गारंटी देते हुए कि अगर उनके ऊपर कोई अटैक होता है या जिस तरीके से अभी वहाँ पर ऑपरेशन चला दिया गया तो वो आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो वो क्या करेंगे, इसके लिए उनको कोई जैसा कि ट्रंप प्रेसिडेंट ट्रंप ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने आईएसआईएस को पूरी तरीके से डिफीट कर दिया है, 2015 में जब सीरिया में ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था तब यूएस के द्वारा हेल्प किया गया था कुछ लोगों को ताकि वो इस्लामिक स्टेट से फाइट कर सकें, लेकिन अभी अचानक से सडन टर्की के इस अग्रेशन को देखते हुए, इस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को देखते हुए भी कैपेबल इनफ है, वहाँ पर यूएस मिलिट्री बेस है, नाटो का मेंबर रह चुका है, और ऐसे पावरफुल कंट्री एज़ कम्पेयर टू सीरिया के लिए कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड ना करके यूएस का ऐसे विड्रॉल कर जाना जाहिर तौर पर वहाँ पर उस रीजन में इनसिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है अनचेक डिक्लाइन, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी एसोसिएट करें, किस तरीके से एक्सपोर्ट कम हो रहा है, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उसी को इसमें डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहले इंडिया के मर्केंडाइज एक्सपोर्ट के बारे में बताया गया है कि वो अभी कम हो चुका है, लगातार परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है, एक्सपोर्ट आज के डेट में सिर्फ 2.39% पर रह चुका है जीडीपी का। नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इम्पोर्ट की बात करें तो वो भी काफ़ी कम हो गया, मतलब एक तरफ तो एक्सपोर्ट कम है, दूसरी तरफ डिमांड भी काफ़ी कम है डोमेस्टिक मार्केट में। डोमेस्टिक डिमांड्स जैसे कि कुछ इंडिकेटर होते हैं, जो नॉन गोल्ड इम्पोर्ट या नॉन ऑयल इम्पोर्ट्स होते हैं वो इंडिकेटर्स होते हैं डोमेस्टिक डिमांड्स के, तो वो भी ये बता रहे हैं कि अभी मार्केट में काफ़ी वीक है और काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक डिमांड कम है। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ भी काफ़ी कम हो चुकी है, तो इन्वेस्टमेंट भी कम है तो मार्केट की स्थिति क्या हो सकती है, यू कैन इमेजिन। आईएमएफ ने अभी अपने रिपोर्ट में बताया कि 6.1% तक ही ग्रोथ इस बार जा सकता है, जबकि अर्लियर जो एस्टिमेट था वो 7% पर था और इसको अभी कम कर दिया गया है, लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पर भी बात करें तो स्थिति बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत की स्थिति है, ग्लोबल लेवल पर भी ग्रोथ को कम ही एक्सपेक्ट किया गया है, एंड हर जगह पर डिक्लाइन है, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है वो भी नीचे गया है, वो भी डिक्लाइन हुआ है अभी, और ख़ास करके ऐसे जो लेबर इंटेंसिव मार्केट होता है जैसे कि गारमेंट का होता है या लेदर प्रोडक्ट्स का मार्केट होता है, ज्वेलरी जेम्स का मार्केट होता है, वहाँ पर भी काफ़ी कमी आ गई है चीज़ों में, चीज़ें काफ़ी नीचे गिर गई हैं, डिक्लाइन हो गई हैं। नॉन ऑयल एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है लगातार, 1.7% पर था
और इसके अलावा जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो भी स्लगिश है, वैसे ही बना हुआ है, ग्लोबल लेवल पर भी स्थिति सेम है क्योंकि स्लो डाउन ओवरऑल चल रहा है, तो एक्सपोर्ट आपके यहाँ से कैसे हो सकता है। आईएमएफ के अकॉर्डिंगली 3% जीडीपी ग्रोथ रहेगा इस बार का जो उन्होंने बताया, एंड इसके पीछे जो कारण है एक दो डोमेस्टिक लेवल पर वो है कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी प्रोसेस का होना, एक्सचेंज रेट का ओवर वैल्यूड हो जाना, तो ये सब दिक्कतें अभी आ रही हैं जिस जो कि डोमेस्टिक लेवल पर है और कुछ बातें जो कि ग्लोबल लेवल पर हैं। तो कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के कुछ स्टेप्स लिए हैं वो सही है, उसको और बढ़ाए जाने चाहिए और सोचना चाहिए कि कैसे हम और एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, एंड जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं इकोनॉमी में उसको एड्रेस करना होगा, धीरे धीरे आना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल इश्यूज को सॉल्व करेंगे तो ये पॉसिबल है, डिमांड बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो एक्सपोर्ट जो है वो धीरे धीरे आगे बूस्ट होता चला जाएगा और इससे ग्रोथ आ सकता है। तो ये आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, सब्सक्राइब करें, पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करें, थैंक यू।